नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। राज्य आबादी के आधार पर हिंदुओं को भी दे सकते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कल्याण सिंह को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण। विक्टर बनर्जी समेत देश के 64 अन्य विभूतियां सम्मिलित। ममता के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा मूर्ति और सुचित्रा एला पद्म भूषण से सम्मानित नीरज चोपड़ा को भी दिया गया पुरस्कार। 18 महीने में हासिल कर लेंगे पीएम आवास योजना शहरी का मकसद। केंद्र ने दी पी में यू के तहत 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी। अनुभव और उपयोगिता को देखकर सौंपेगा यूपी सरकार के मंत्रियों को विभाग। योगी सरकार 2.0 युवाओं को 100 दिनों में ही देगा रिटर्न गिफ्ट। 20,000 सरकारी नौकरियों का लक्ष्य तय। गलत डाटा देने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करेगा यूपी बोर्ड। विद्यालयों की हो रही पहचान। योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्रियों ने जीता भरोसा, फिर मिले वही विभाग। बसपा नेताओं की बैठक में पार्टी की मुखिया मायावती विधानसभा चुनाव के खराब नतीजों से काफी हैरान। मैरियोपोल में हर तरफ तबाही का मंजर। पार्कों और स्कूलों में दफन करना पड़ रहा शव। बाइडेन ने किया पुतिन को सत्ता से हटाने के बयान पर माफी मांगने से इनकार। कहा जो महसूस किया वही कहा। जेलेंस्की ने बताया समझौते का फॉर्मूला। कहा तटस्थ स्थिति स्वीकार लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। पाक में 161 मौतों के साथ अविश्वास प्रस्ताव पेश। इमरान के करीबी पंजाब के सीएम बुजदार ने दिया इस्तीफा। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड-19 यात्रा नियमों को दी ढील। लेवल 3 से लेवल 1 तक जाए। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में गुजरात ने दर्ज की रोमांचक जीत। लखनऊ के 5 विकेट से हराया। गुजरात लॉयंस के बाद अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ 0 पर आईपीएल में आउट हुआ केएल राहुल। इस सीजन बेहद खतरनाक नजर आ रही है टीम राजस्थान रॉयल्स। सभी को चौंकाकर जीत सकती है आईपीएल ट्रॉफी। उमेश कुलदीप और ललित चमके तो वीरेंद्र सहवाग बोले अभी तक यादवों की आईपीएल। पंजाब के खिलाफ विराट कोहली ने खेली आतिशी पारी, तोड़ा टी20 रिकॉर्ड। टाइगर श्रॉफ ने पूरा किया रकुलप्रीत का अटैक चैलेंज। अब जैकी भगनानी और सामंथा प्रभु की बारी। विल स्मिथ ने जारी किया माफीनामा। मैं सबके सामने माफी मांगना चाहता हूं क्रिस, मैं गलत था। कुमकुम भाग्य फेम एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने दिखाई बेटी की पहली झलक। क्यूट सी स्माइल पर फिदा हुए फैन।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पर बुआ रीमा जैन ने तोड़ी चुप्पी। अप्रैल में वेडिंग को लेकर कहा, मुझे शादी के अपडेट के बारे में कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने दी कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, फिल्म ने 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।